भारत के राष्ट्रीय सभापति डॉक्टर रामविलास दास बेरंती महाराज जी, आज के सभा में अंक ग्रहण करने वाले हमारे नेशनल टीम के संगठन चीफ महामंत्री श्री जो शत्रुघ्न सिंह जी, ये हमारे नेशनल टीम में आए हुए हमारे नेशनल महिला मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी पापिया अधिकारी जी, हमारे और इस मिशन में जुड़े हुए नॉर्थ ईस्ट का प्रेसिडेंट उस बात बी रिंजा जी, और हमारे जो अभी अभी वक्ता दे के गया है हमारा सोमेन लहरी युवा जनरल सेक्रेटरी है नेशनल तौर पे, और हमारे यहाँ पे पधारे हुए मेघालय के प्रेसिडेंट खैरिम युडू जी, और हमारे असम से आए हुए रूपांजलि मिली जी, और हमारे इस सभा को संबोधन करने वाले अरुणाचल प्रदेश के माननीय सभापति श्रीयुत मायोंग मायो जी, और इस एरिया के सबसे बड़ी स्थित हमारे नेशनल टूर के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीयुत हृदय संगमा जी, और यहाँ पे पधारे लोकल जितना भी वरिष्ठ भाई और बहनों, युवक भाई और बहन, अभी एक्चुअली थोड़ा टाइम बहुत देर हो गया, शायद आप लोग का बोर लगा है। भारत माता की बोर्ड लगा जैसा लगा है हमको, ठीक है। अभी एक्चुअली मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हम लोग बहुत दूर जाना है महाराष्ट्र को लेके, कल तेजपुर असम में है, परसों दिन फिर शिलोंग टाउन में है, सो ज्यादा हम नहीं बोलूंगा, खाली ऑर्गेनाइज के बारे में थोड़ा हम लोग आप लोग को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो आपको राष्ट्रीय सुरक्षा महामिशन भारत, ये एक संस्था मतलब न्याय, जिसे आप देखिए आरएसएस न्याय है, हमारे विश्व हिंदू परिषद, ऐसे जितना भी हमारे बीजेपी का सहयोगी संगठन 130 संगठन है, 130 सहयोगी संगठन में हमारे ये राष्ट्रीय सुरक्षा महामिशन भारत भी आता है सहयोगी संगठन में। ये आप लोग कभी भी आप लोग मतिवेदित किसी का मतिवेदित नहीं लेना चाहिए, ये जितना भी कर्म करता है सारे हमारे बीजेपी का सदस्य है। जैसे हमारे जो राष्ट्रीय सभापति महाराज जी, आप देखिए दो बार संसद हो रखे यूपी में, और ये राम जन्मभूमि जो अभी बना रहा है, महाराष्ट्र के योगदान देने के बहुत डिपेंड करके ही ये बना रहा है, मतलब महाराष्ट्र ये राम भूमि जन्मभूमि के लिए 25 बार जेल जा चुके हैं कांग्रेस के टाइम में, 25 बार, एक दो बार नहीं 25 बार। सो महाराज जी ने अभी वहाँ फाउंडर ट्रस्ट, ये जनरल सेक्रेटरी और फाउंडर मेंबर भी है, अभी कार्यकारी सभापति है उस संस्था का, जो अभी 22-23 जनवरी में उद्घाटन होगा, उस 22-23 तारीख को उद्घाटन के लिए भी आपको हम लोग निमंत्रण दे रहा हूँ मेरा तरफ से, नॉर्थ ईस्ट का तरफ से। दूसरा बात है कि अभी देखिए, अभी ऊपर में लिखा है मिशन मोदी जो पीएम अगेन 24 हम लोग लिखता है, ये डायलॉग है, मतलब मोदी को तीसरा बार, हम लोग दूसरा बार भी लाया, तीसरा बार फिर लाने के लिए ये एक डायलॉग बनाया गया। मिशन मोदी खाली हमारे राष्ट्रीय महामिशन की नहीं है, आप भी उसका भागीदार हो सकता है, आप अकेला भी हो सकता है,
कोई भी संस्था मिशन मोदी पीएम अगेन 24 लिख के आप संस्था का बढ़वा सकता है, मतलब बीजेपी का सहयोग हो सकता है। इसके बारे में हम संक्षिप्त ये इस उदाहरण दिया है। और बाकी ऐसा है कि मिशन मोदी जो पीएम अगेन, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट बोलता है कि मतलब घूम घूम के बोलना और डायरेक्ट बोलना डिफरेंस होता है। घूम घूम के बोलने से हमको थोड़ा सिटिंग जैसा लगता है, लेकिन महाराष्ट्र ने बोला नहीं, मिशन मोदी पीएम अगेन 24, पहले 19 था अभी 24। इसी हिसाब में हम लोग 2017 से 2016 से लगातार अभी हम लोग काम कर रहा है। और ये एक संस्था, रजिस्टर संस्था है, ये कोई नॉन वॉलंटियर ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन संस्था मतलब बाहर बाहर में जैसे आपको एनजीओ बोलता है, एनजीओ का काम, उस एनजीओ में हम लोग अभी ऑल इंडिया में बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग महाराष्ट्र ने शुरू कर रहे हैं। उस जितना भी प्रोजेक्ट होगा हमारे अरुणाचल का भाइयों बहनों भी मिलेंगे। और इस संस्था में जुड़ने के लिए हम लोग का संविधान बनाया गया है, इस संविधान में बाय लॉस भी बनाया है, बाय लॉस। जैसे आप अपना अरुणाचल प्रदेश के लिए संक्षिप्त तो कोई भी आप बाय लॉस आइन बना सकता है। सो इसके बारे में आप लोग, और दूसरा कोई कोई हम सुन रहा है, हम तो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में गली गली में जैसे भी बोलने से भी कोई भूल नहीं है, हम गली गली में घूमता हूँ स्टेट के 8 स्टेट में, आपको सपोज पंचायत तक, गांव तक, हमारा कमेटी भी ऐसा बना, जहाँ भी मीटिंग बुलाते हैं वहाँ भी जाता है। लेकिन यहाँ सुनना मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट में अदर स्टेट में नहीं होता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का 8 स्टेट में कोई कोई हमारे बीजेपी भाई भी हम लोग को बोल रहा है ये आप लोग के संस्था बना रहा है ऐसा के। सो आप लोग यही आप लोग ध्यान में रखिए, मतलब हमारे जो कर्मकर्ता, हमारे जो जितना भी सदस्य है, ये बीजेपी के मेंबर हैं, बीजेपी के वेलनेसर है, और बीजेपी को मदद करने के लिए हम लोग ये काम कर रहा है। हम लोग दूसरा कोई ऑर्गेनाइज है ये है आप लोग सुनना नहीं है। और मोदी को जैसा से भी आप लोग आगे बढ़ाइए, और मोदी जी को तीसरा बार लाने के लिए कदम से कदम मिलाकर आप लोग बात कीजिए। इसमें एक आपको रिक्वेस्ट है कि हम लोग ये जो सपोज अरुणाचल वासी का जितना भी सपोज बीजेपी पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है, 130 संगठन का यह पार्टी है, 130 संगठन तो पार्टी नहीं कर सकता है, इसीलिए बीजेपी क्या हुआ, इसको रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब पार्टी हिसाब में, सो इसी को हम लोग उसका लिए हम लोग सहयोग संगठन हिसाब से यहाँ पे जाना जाता है। और कोई पंचायत का प्रेसिडेंट हो, आंचलिक हो, कोई वाइस प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, स्टेट के प्रेसिडेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोग कौन है, ये सब क्या संगठन है, ये सब क्या मीटिंग करना है, वो नहीं होना चाहिए। आपका पास सब आया है ना, तो आप उनको अपनाना चाहिए, तब तो कम से कम हम लोग का सदस्य बढ़ेगा। वो सब आप लोग थिंकिंग समझने की कोशिश करना है। तो उसमें उदाहरण हम लोग को देता है, अगर सपोज हम लोग क्या काम करता है, अभी मिशन मोदी वाले हम लोग वो काम करता है जो बीजेपी का फूल लेके सिंबल लेके मीटिंग करता है, उसमें तो कांग्रेस नहीं आएगा, उसमें तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी या आदर्श पार्टी नहीं आएगा, लेकिन हम लोग मीटिंग करने से उसमें कांग्रेस भी आता है, कोई आदर्श पार्टी भी आता है, निर्दलीय पार्टी भी आता है, कोई भी सुनने के लिए आता है। और देखिए आप, दिल्ली एक स्टेट, दिल्ली में हमारे 7 एमपी हमारे हैं, 7 का 7, वहां पे 70 एमएलए में हमारे कितना है, 7 ओनली हमारे एमएलए हैं। तो देखो मोदी को कितना अच्छा पाता है, मतलब सेंट्रल में मोदी को कितना अच्छा पाता है, मतलब वहां का जो कांग्रेस को देने वाला आदमी भी मोदी को अच्छा पाता है। राजस्थान में आप लोग देखिए, राजस्थान के 7 एमपी हमारे हैं, बीजेपी का है, एक भी एमपी आदर्श नहीं है, लेकिन वहां पे दो ना तीन ऐसा करके हम लोग के एमएलए मिला है बीजेपी, बाकी देखिए सबको मोदी को दिया है। ऐसे सारे बहुत उदाहरण है। सो हमारे जो संस्था है ना, ये सब काम, मीडिया का काम, जुड़ने वाला काम
हम लोग करता है, तोड़ने वाला काम कभी भी हम नहीं करता है। इसीलिए हमारे जो माने राष्ट्रीय सभापति है वो ज्येष्ठ वरिष्ठ एक संसद है, उसका नेतृत्व में हम लोग काम कर रहा है। हम लोग कोई लुका छुपा के मीटिंग नहीं करता है, काम नहीं करता है। आप लोग एकदम सावधान से सुन रही है, और जो जो अनाप शनाप बोलता है इन लोग कान खोल के सुनना है। ये जो ऐसे बोलता है ना वो एक्चुअली असली बीजेपी नहीं है। आज असली बीजेपी जो है ना जो अपनाने जानता है, वेलकम। वो उसका घर में कोई भी आएगा, मेरा घर में कोई भी आएगा मेहमान, मैं वो शत्रु भी हो सकता है, उसको वेलकम करना जरूरी है। और बीजेपी का जो मकसद है ऐसा है। और जो जो थोड़ा थोड़ा वो सब अनाप शनाप गली गली में मीटिंग में बोल रहा है, इन लोग को आप लोग भी बोल लीजिए ऐसा मत करो भाई जुड़ने के लिए। अगर वो लोग उल्टा पुलटा करेगा हम लोग का भी ये ठीक है कि हम लोग भी ऊपर में डायरेक्ट इन लोग का ऊपर ना हम लोग एक्शन लेने के लिए हम लोग वहां पे रिजोल्यूशन दे सकता है। हम लोग देख रहा है कोई कोई भी ऐसा भी हो रहा है नोटिस पे, इन लोग के लिए हम सावधान कर दिया है। हम लोग नोटिस वाला है, हम भी कम नहीं है, देश को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। देश बढ़ने के लिए, देश शांति के लिए, देश आगे जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। उसका यदि आगे कोई भी आगे कोई बढ़ा देने के लिए, कोई बता देने के लिए सस्ता करके, उसके लिए हम लोग जैसा जहां पे देना है इनका ऊपर जहां पे कंप्लेन देना है क्या करना है हम लोग देंगे। और बाकी स्पेशल में एक ये संगठन के बारे में नहीं है, सतमा इन आदर्श, ये जो आदर्श ट्राइब, मतलब सकमा एक ट्राइब्स है अभी भारत वर्ग से भी आपको क्या नाम है मिजोरम में शिवलिंग हो गया, दो एमएलए भी हो गया, लेकिन अरुणाचल में हो नहीं पा रहा है। इसके बारे में हम बहुत अच्छा से जानता हूँ, पहले से हम लोग संघर्ष किया है, हम भी ट्राइबल संगठन किया है बहुत बार, बहुत साल हो गया हम। सो इन लोग के लिए हम लोग जो करना है एक्चुअली ये ग्रासरूट लेवल में अपना यूनिटी रखना है आप लोग, लेकिन हाई लेवल में महाराज जैसा मैंने राष्ट्रीय नेता से आप लोग सेंट्रल में थोड़ा मिलजुल के काम करने के लिए आगे बढ़ाना होगा। ग्रासरूट लेवल में तो गांव वाले हैं हम लोग हैं, लेकिन किस आइन से हम लोग को यहाँ पे सुरक्षा दे सकता है, इस्टाब्लिशमेंट कर सकता है, उस बात के लिए आप लोग थोड़ा फॉर्मूला बनाना है। और उस फॉर्मूला के लिए हम आप लोग का वरिष्ठ जितना भी हिडेडा से तो हम लोग आधा कितना साल से ये सब बात कर रहा है, तो हम लोग संपर्क रखेंगे। और बाकी हमारे जो प्रहलाद जी है, प्रहलाद शर्मा कहाँ गया, प्रहलाद जी से हम लोग स्टूडेंट यूनियन के रहने के टाइम से भी हम लोग जुड़ा हुआ है। इन लोग को थोड़ा हम लोग आगे लेके कौन सा डिपार्टमेंट से क्या होना है ट्राइबल इसमें शिवलिंग आने के लिए, और संसद जितना भी वरिष्ठ संसद को लेके हम लोग मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुंचाना है, वो सब काम हम लोग धीरे धीरे करेंगे। खाली आप लोग शांत रहिए, आप लोग जुड़ रहिए अरुणाचल प्रदेश के साथ, और बाकी जो डिसिप्लिन के काम जो करना है ये तो संस्था नहीं है, वो आपको जाति को आपको इस्टाब्लिशमेंट करने के लिए ये ऑडियंस आना पड़ता है लोकसभा में, राज्यसभा में, और ये स्टेट जो ये असेंबली है ना यहाँ से भी प्रपोजल देना होता है। ये सब थोड़ा टेक्निकल बात है, उसमें वो टेक्निकल जितना भी बात है हम लोग बैठ के बात करेंगे। और बाकी आदर्श स्थित भी है यहाँ पे, जैसे क्या बोला आदिवासी लोग, आप देखिए आदिवासी जो एमपी है ना ऑल इंडिया में 35 तो है, 35 इन लोग भी 35 एमपी सेंटर में रहते हुए भी आप देखिए इंडिया का मतलब इस अरुणाचल में या दूसरा स्टेट में ट्राइबल स्टेटस ले नहीं पा रहा है। वो किस लिए, वो टेक्निकल के वजह से, अपना अपना स्टेट का कोई शेड्यूल में उसमें संविधान बनाया गया, उस संविधान में थोड़ा रुकावट है, वो रुकावट को थोड़ा ये के लिए आप लोग, लेकिन स्टेट का जितना भी पीपुल टू पीपुल आप लोग कॉन्टेक्ट को अच्छा रखना होगा, शेड्यूल अच्छा रखना होगा, शांति से कायम करना होगा, इस सिलसिले को आप लोग रखना है। और ये जो जितना भी आदिवासी भाई लोग है उन लोग के लिए हम लोग बार बार बहुत डिस्कशन करता है, असम में भी शेड्यूल पे प्रॉब्लम है,
अरुणाचल में भी प्रॉब्लम है, और बाकी यहाँ पे सपोज सुनवाल है, अहोम है, मोरान है, मतोक है, तो मिसिंग भाई लोग भी है वहाँ अरुणाचल में देखता है, तो कम से कम 8-10 छोटा छोटा हमारा कम्युनिटी है शेड्यूल लेने के लिए वो सब। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, ये हंगामा करने से लेकिन नहीं होगा, ये टेक्निकली आप लोग जाना होगा, हंगामा करने से नहीं होगा, टेक्निकली। जैसे सब बात हम लोग रिजोल्यूशन महाराज को आप लोग कम से कम दीजिए, और हम लोग हमारे कोर कमेटी होता है नेशनल में, नेशनल कोर कमेटी में मैं भी मेंबर हूँ ऑल इंडिया में, और महाराज चीफ है, तो 22 कोर कमेटी हम लोग तय करेगा उसका थोड़ा बारे में। सो बाकी अभी आप लोग इतना आशा से मीटिंग किया, आह्वान किया हमारे मालूम के थ्रू से, सो इतना अच्छा लगा यहाँ इतना भीतर जगह में भी आप लोग इतना अच्छा कम्युनिकेट करके, पीपल टू पीपल यहाँ बुला के महाराज के सामने कल्चर, अपना कल्चर दिखाया, अपना व्यवहार दिखाया, हमको खूब अच्छा लगा। मैं भी आसाम ये जो बगीबुल दलों है ना, वहाँ पे मेरा घर है ओरिजिनल घर, तो मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, तो महाराज जी के साथ मैं आज 2016-17 से जुड़ के हम ऑल इंडिया में भी काम कर रहा हूँ। धन्यवाद।